सिंगरौली जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अनिश्चितकालीन बंद कर दिए गए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद रहे, ऐसी स्थिति में शिक्षक विभाग द्वारा हायर स्कूल हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2020-2021 की मान्यता का नवीनीकरण किया गया है, उसी प्रकार से इस बार भी कक्षा पहली से बारहवीं तक मान्यता का नवीनीकरण किया जाए, साथ ही संपूर्ण प्रकार के टैक्स, बिजली बिल, बैंकों की किस्त माफ की जाए और साथ ही में अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वही प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संकुल स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में लेफ्ट होंगे और साथ ही में विद्यालयों की चाबी जिला शिक्षा अधिकारी तथा भोपाल लोक शिक्षक संचालनालय को सौंपेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान तमाम प्राइवेट स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए सिंगरौली से आध्या तिवारी की रिपोर्ट।